Hello everyone, this is Dipesh Purani with you and welcomes you at Utkarsh Online Digital Educational Channel. So my dear friends and students, aapka swagat hai aur abhinandan hai. So what we are going to discuss today, as you know that RBSE has revised his syllabus, ki RBSE ne apna syllabus revise kar diya hai 2021 examination form ke liye. So as you know that 2021 ke jo examination hone wale hain COVID-19 ki wajah se thode late bhi ho sakte hain aur usme jo syllabus aane wala hai wo deduct ho gaya hai. RBSE ने एक नया निकाला है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले कि कौन कौन से पोर्शंस हमारे सिलेबस में से बिजनेस स्टडीज़ में से हट चुके हैं, मीन्स कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने नहीं है. तो मतलब कि बहुत खुशी होने वाली है कि हाँ ये सर चैप्टर ये पढ़ने नहीं है, तो मतलब कि बहुत मज़ा आने वाला है. अब कौन कौन से चैप्टर हैं देखते हैं, लेट्स स्टार्ट. और कौन से पढ़ने उनका भी ध्यान रखना है ना स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद लास्ट. हमारे पास जो चैप्टर्स है ना, कुछ चैप्टर्स हैं उनकी मार्किंग स्कीम भी चेंज हुई है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं. तो चैप्टर्स जब रिमूव हो जाते हैं तो उनके जो मार्क्स होते हैं वो किसी और चैप्टर्स में ट्रांसफर हो चुके हैं. तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं और जो चैप्टर्स रिमूव हुए हैं उनके मार्क्स कौन से चैप्टर में चले गए हैं वो भी देखेंगे. इट मीन्स जो टोटल रिवाइज मार्किंग स्कीम है वो भी हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं चैप्टर वाइज. चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, वो अब रीमार्क होकर 14 मार्क्स का चैप्टर है. कितने मार्क्स का चैप्टर है? 14 मार्क्स का चैप्टर है. सो माई डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, यहाँ पर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसमें बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स के बारे में एकदम डिटेल नॉलेज जो होगी वो मिलेगी और उस चैप्टर में 14 मार्क्स हम गेन करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर. चैप्टर टू जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चैप्टर टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारी फॉर्म्स प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनी सबके बारे में समझेंगे और वो वहां पर कितने मार्क्स का है सर? 12 मार्क्स का चैप्टर है हमारे पास. अंडरस्टूड. देन आफ्टर कम टू द चैप्टर फोर. सर चैप्टर थ्री कहाँ गया? चैप्टर थ्री जहाँ जाएगा वहाँ पर हम मिलके आएंगे उससे, बट उससे पहले चैप्टर फोर की बात करते हैं. बिजनेस सर्विस को भी मार्किंग स्कीम दी है सर 12 मार्क्स का. और देन आफ्टर देखोगे तो चैप्टर नंबर फाइव भी यहाँ पर नहीं है. इट मीन्स चैप्टर नंबर फाइव कहाँ गया सर? उससे भी मिलवाऊंगा, टेंशन ना लो. तो चैप्टर नंबर सिक्स जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने मार्क्स का है सर? 14 मार्क्स का. मीन्स 14 मार्क्स का ये चैप्टर हमारे पास आ चुका है. मतलब कि टोटल 1, 2, 4, और 6 चैप्टर है, उनकी मार्किंग स्कीम यहां पर आपके पास है. रीमार्क लिखा है मैंने उस पर. रीमार्किंग मतलब कि रीमार्किंग हुई है इसकी, वापस रिवाइज सिलेबस है एज यू ऑल नो. और चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ न्यू चैप्टर्स हैं. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करेंगे तो 12 मार्क्स का चैप्टर है. चैप्टर नंबर 7 है जो कि 12 मार्क्स का है. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है. एंड चैप्टर 8 की बात करें, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब कि बिजनेस को ओपन करने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंस कहाँ लाएं, पैसा है तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, सब कुछ इस चैप्टर में समझने वाले. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये कितने मार्क्स लेकर आया है? 12 मार्क्स रिवाइज लेकर आया है. इसके बाद चैप्टर नंबर 9, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर तो ये चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में बिजनेस करना है ना आगे चल के. तो ये चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है. कितने मार्क्स का है चैप्टर सर? मजे के साथ साथ यहाँ पर चैप्टर की मार्किंग भी बहुत ज्यादा है. 14 मार्क्स का चैप्टर है सर, मतलब कि बहुत मजा आएगा. फिर आते हैं सर नेक्स्ट पे, चैप्टर 10. चैप्टर 10 क्या कहता है सर? इंटरनल ट्रेड की बात हो रही है. इंटरनल ट्रेड क्या कहता है सर? इंटरनल ट्रेड कंसिडर टू बी 10 मार्क्स. तो मतलब कि इंटरनल ट्रेड जो भी विद इन अ कंट्रीज विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी हम जो ट्रेड करने वाले उसकी बात हो रही है. अच्छा सर, इंटरनेशनल ट्रेड भी एक चैप्टर था हमारे, हाँ वो चैप्टर नंबर 11 था जो कि अब नहीं रहा. देखें कहाँ गए सारे चैप्टर जो चले गए, सारे चैप्टर्स कहाँ चले गए. चलो लेकर आता हूँ मैं आपको सारे चैप्टर्स के पास. ये रहे कुछ चैप्टर्स रिमूव्ड है ना. ये जो चैप्टर्स रिमूव्ड है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ. तो ऑब्वियस आपके फेस पे स्माइल आ रही होगी, सर ये चैप्टर्स इस बार हमको पढ़ने नहीं पड़ेंगे. मीन्स 2021 के जो एग्जामिनेशन में है उन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स रीड नहीं करने पड़ेंगे, पढ़ने नहीं पड़ेंगे, लर्न नहीं करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं करने पड़ेंगे. ओके, तो अच्छी बात है. कौन कौन से चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 जो था प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, तो ये चैप्टर्स हमें नहीं देख रहे हैं इस सेशन के अंदर. फिर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अलग अलग मोड्स जो आ रहे हैं वो हमारे बीच में अब नहीं रहा. नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड, इट मीन्स ये जो तीनों चैप्टर्स हैं वो अब हमारे कोर्स में नहीं रहे. इट मीन्स जो प्रीवियस चैप्टर्स मैंने आपको डिटेल में बताए वो सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, व्हाट वी हैव डिस्कस, कि हमें पता चल गया है कि चैप्टर कौन कौन से हमारे कोर्स में हैं और कितने मार्क्स के हैं वो सब कुछ हमने डिटेल में अभी समझा है. उसके साथ साथ जो चैप्टर रिमूव्ड हुए वो आपके सामने है ना.
तो यहां पर जो अपनी अब तैयारी कर रहे हो, जो बुक्स आप लेकर आ चुके हो, उन पे स्टैपल लगा दो कि ये चैप्टर हमारे कोर्स में अभी तो नहीं है और नेक्स्ट ईयर तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हम तो नेक्स्ट क्लास में पास आउट हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कीप लर्निंग, ध्यान रखना इन सारी चीजों का, जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की इनका भी ध्यान रखना, और जो भी मैंने बताया उनको, इन सारे चैप्टर्स को भी माइंड में रखना कि ऐसे नहीं कि हम पढ़ाई कर लें, ऐसे पढ़ना बुरी बात नहीं है, है ना। नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट फिर भी माइंड में याद रखना कि हमारा जो टाइम है वो पहले जो चैप्टर्स थे उन्हीं पे ही देना है। सो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, जो चैप्टर्स नहीं है उनको ध्यान में देना है कि ये चैप्टर्स हमारे कोर्स में नहीं है। अंडरस्टूड? सो टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, टिल देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।